मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा के लिए रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि अनियमित कर्मचारियों के बारे में विभिन्न विभागों में संविदाकर्मी और दैनिक वेतनभोगियों के लिए बनी समितियों की बैठक हो चुकी है। जानकारी मांगी है कि अभी तक 22 से 24 विभागों की जानकारी है, आधी जानकारी नहीं आई है। कर्मचारी किस कैटेगरी में भर्ती हुए हैं या क्या पद है, या जब तक पूरा डेटा नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जा सकता है, तब पूरी जानकारी आएगी जब तो विचार करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के अंतिम बजट में नियमितीकरण की कोई घोषणा नहीं होने से अनियमित जो कर्मचारी हैं वो नाराज़ हैं और 12 मार्च को धरनास्थल नवा रायपुर में अनियमित सभा का आयोजन होगा। सभा में आगामी रणनीति पर समग्र चर्चा हो सकती है। भैया आंदोलन कर ले कि हम तो मना कभी नहीं करते, लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी प्रश्नों के आपने डॉक्टर प्रीतम राम के प्रश्न आए थे, उसके पहले भी अन्य विपक्षी दलों सदस्यों ने पिछले सत्रों में भी उन्होंने प्रश्न उठाए थे। अभी तक के जो विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी, दैनिक भोगी और तमाम प्रकार के चार पांच कैटेगरीज हैं उसके बारे में जानकारी मंगाए हैं।